अगली खबर आ रही है यूपी के जनपद अयोध्या से हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर। हिंदू मुस्लिम भाईचारा की एकता को देखते हुए गंगा जमुनी तहजीब पर बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत दराबगंज तोरो माफी में बाबा शहीद ए आजम की दरगाह पर बहुत ही भव्य ऑल इंडिया जवाबी कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का पैगाम अपने गीतों के माध्यम से मशहूर कव्वाल आलिया इंडियन ने किया। बाबा शहीद ए आजम की दरगाह पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 42वां ऑल इंडिया जवाबी कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गंगा जमुनी हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल पेश करते हुए मंच पर एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान बैठकर इस जवाबी कव्वाली का आनंद ले रहे थे। कार्यक्रम के आयोजक अहमद रजा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया, यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हिंदू और मुसलमान की भाईचारा बनी रहे इसी उद्देश्य के साथ रखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम में जात पात छुआछूत ऊंच नीच गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम में हाजी फिरोज गब्बर और बसपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता बबलू सिंह बतौर मुख्य अतिथि रहे। करीब भी हरि भी है नाम से जब मिट्टी में मिला और ना पहले उस मुबारक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और 13 तारीख को तकरीर होती है, 14 तारीख को 30 बज के 6 तक गागर और कुल का फातिया होता है, रात में 9 बजे जवाबी कव्वाली का आयोजन होता है। यहाँ पर 42 साल से बाबा शहीद आजम का उर्स मनाया जाता है। सबसे बड़ी यहाँ गंगा जमुना की तहजीब दिखाई पड़ती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, जिसमें हमारे अंबिका मिश्रा जी हैं और उसके बाद में हमारे रमाकांत मिश्रा जी हैं, रमाकांत उपाध्याय जी हैं, गुड्डू तिवारी, शेर बहादुर वर्मा, मणि राम हैं, रमाकांत पर तमाम ऐसे हमारे साथीगण हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके इस बाबा शहीद आजम को इस प्रोग्राम को मनाते हैं और बाबा शहीद आजम के श्रद्धा लोगों में बनी रहती है, जो मानता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ पर उन्हीं की दुआओं से आज हम लोग दराबंज के धरती पर अमन चैन कायम है। और मैं इन्हीं बातों से मैं अपने दराबंज तरफ से पत्रकार बंधुओं को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हर वर्ष की बात 14 नंबर के बाद कव्वाली का आयोजन होता है। प्रधान जी माननीय बबलू सिंह मुख्यमंत्री थे, माननीय हाजी फिरोज गब्बर साहब मुख्यमंत्री थे और राकेश पांडे राणा जी हैं, तमाम दल के नेता हैं। यहाँ पर समाज सेवा करने वाले तमाम लोग, बाबा श्रद्धा रखने वाले, यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं होती है, सब समाज के लोग, सब जात के लोग, नेता लोग बाबा शहीद आजम के उर्स में आते हैं और वहाँ पर बैठ करके बाबा कव्वाली का प्रोग्राम सुनते हैं। यही हमारी यहाँ की योजना है और यही पर हम लोग काम करते हैं।